हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप मेरे चैनल में आते हैं और ज्ञान लेते हैं, इससे आपका फायदा होता है और कमेंट भी करते हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझको फोन किया था, कमेंट किया था कि सर श्रीराम फाइनेंस चोलामंडलम में ज्वाइनिंग से इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइन करने के बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं क्या होता है वो डिटेल बताइए, कैसे काम किया जाता है। तो मैं पूरा एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू से लेके गुजर के ज्वाइनिंग के बाद 2-3 महीने कैसे काम किया जाता है, कैसे ग्रुप किया जाता है, कैसे फाइलिंग की जाती है और कैसे काम किया जाता है। तो फर्स्ट आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू फाइनेंस कंपनी में 3 चरण में होता है। एक ब्रांच हेड लेता है, एक एचआर लेता है, फिर एक जेबीएच लेता है जो जनरल बिजनेस है, ठीक है। इसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा बीच में जो 30 मार्क का होगा, उसमें आपको 15 पासिंग मार्क है, ठीक है। उसके आपको 20 तक लाएंगे, समझ लीजिए आपका काम हो गया। इंटरव्यू के दौरान आपसे फाइनेंस के बारे में पूछा जाएंगे, तो फाइनेंस के बारे में इतना ही कहना कि फाइनेंस का मतलब है कि मैं कस्टमर को 100 रुपये दूँ और 120 रुपये ला के कंपनी को प्रॉफिट करूँ, यही फाइनेंस होता है फाइनेंस कंपनियों के लिए। बाकी पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस से कुछ नहीं होता है। 110 रुपया 100 रुपये मैंने कस्टमर को दिए, फाइनेंस किया और 120 रुपये कंपनी के लिए प्रॉफिट करके लाया, यही फाइनेंस हो। तो इससे आपके इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, फाइनेंस के बारे में समझ जाएगा कि फाइनेंस में आप कितना जानते हैं, फाइनेंस में आप अच्छे कर सकते हैं और कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू पास होने के बाद आपको बोला जाता है कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे, आपका ऑफर लेटर बन जाएगा। ऑफर लेटर बनने में कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना भी लग जाता है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय कोड बनता है। कंपनी आपको नाम से नहीं जानती है, कंपनी आपके कोड से जानती है, कंपनी आपके कोड पे फाइनेंस करती है। तो हर आदमी का एम्प्लॉय कोड होता है जिससे कंपनी फाइनेंस करती है। कंपनी का जो कोड होता है बहुत ही स्ट्रांग कोड होता है, उस कोड के बदौलत ही आपको कंपनी 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक फाइनेंस करती है। उस कोड के जरिए ही फाइनेंस करती है, आपके नाम पे नहीं करती है, वो कोड के जरिए फाइनेंस करती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को ऑफर लेटर और कोड बनने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, दोनों साथ साथ दिया जाता है। कभी कभी ऑफर लेटर आके बोलता है ज्वाइनिंग कर लो, कोड आपको 1-2 दिन में बन जाएगा, लेकिन जब तक आपका कोड नहीं बनेगा आप फाइनेंस नहीं कर सकते। अगर आप फाइनेंस करेंगे भी तो आप अपने सीनियर के अगेंस्ट, सीनियर के साथ मिलकर करेंगे, वो फाइल आपके नाम पर नहीं जाएगी। आपको सैलरी जरूर मिलेगा लेकिन आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 1 महीना 15 दिन आपको सीनियर के साथ भेजा जाता है, उनकी गाड़ी के पीछे बैठ के आपको जाना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है, कैसे फाइल साइन कराते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं, कैसे फाइनेंस करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब आपको 1 महीना तक दे दिया जाएगा। 1 महीने तक आपके बाद आपको जैसे कोड आपका बन गया, 15 दिन में बन गया, 1 महीने में बन गया, कोड जैसे बन गया उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है, अब आप सेपरेट फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको फील्ड में अकेले निकलना पड़ेगा, 1 महीने तक आपने सीख लिया कैसे काम करते हैं, उसके बाद आपको अकेले निकल के फाइनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके 10 दिन के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है हेड ऑफिस में, जहाँ भी आपका हेड ऑफिस होगा वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए, 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें आप एग्जाम भी होता है। तो 3 दिन के ट्रेनिंग में आपको सब कुछ दिखाया जाता है, कैसे फाइनेंस करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपके फाइनेंस के लिए बहुत उपाय उपयोगी होता है। और इसमें एक एग्ज़ाम भी होता है जिसमें इनाम भी मिलता है, 1000-2000 का इनाम रहता है, समझ नहीं आता, लेकिन रहना खाना पीना पूरा बड़े ऑफिस में बुलाया जाता है, आपके शहर से हो सके 300-400 किलोमीटर दूर ऑफिस होगा, वहाँ आपको आपको पूरा यार्ड दिखाया जाता है, फाइनेंस के हर बारे की सिखाई जाती है। और पर डे एग्ज़ाम होता है, 3 दिन के सेमिनार में पर डे एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी में से एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का होता है, इसमें आप 50-60 लाएंगे तो पास हो जाएंगे, टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उससे कोई मतलब नहीं, ट्रेनिंग करना आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद ट्रेनिंग से जैसे आप वापस आए उसके बाद आपको तुरंत फाइनेंस करना चालू कर देना है। लेकिन आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने सीख तो लिया लेकिन फाइनेंस करने कहाँ जाएंगे, फील्ड में किसको जानते हैं आप, किस आप डीलरशिप पढ़ने के बाद जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में आप कैसे घूमेंगे, कौन गाड़ी ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, आपको सेगमेंट क्या दिया गया है, आपको पिकअप दिया गया है, आपको ट्रक दिया गया है। तो वो क्या होता है, आप स्टार्टिंग के आप, मैं जितना भी देखा हूँ 2-3 महीने आप ज़्यादातर ऑफिस में बिताया कीजिए, एक आध वर्क ले लीजिए और ऑफिस में बिताया कीजिए, जिसको भी ट्रक फाइनेंस करना है, जिसको भी कार फाइनेंस करना है
वो ऑफिस में ही आता है, तो पहला लीड आपको ऑफिस से ही मिलेगा। ऑफिस में से जो पहला लीड मिल जाएगा तो उसको कवर कीजिए, उसको फाइनेंस करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको उसी फाइनेंस से और फाइनेंस मिलते जाएंगे। इसके अलावा आप मार्केट में अगर से आपको पिकअप दिया गया, तो जहाँ पिकअप के सेगमेंट पिकअप एरिया होगा, जहाँ पिकअप ज़्यादा चलती होगी, तो आप उस एरिया में विजिट करेंगे, कौन पिकअप लेने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। आप ट्रकें जहाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पर ट्रकों का तो क्या बोलते हैं, ट्रकों का मार्केट होता है, वहां पर आप घूम के पता चेक कीजिए कि नया ट्रक कौन लेने वाला है, पुराना ट्रक कौन लेने वाला है, तो आपको ट्रकों के बारे में इंक्वायरी मिलेगी। इसके बाद उसके पहले उसके बाद डीलरशिप पॉइंट में आप विजिट कीजिए, जिससे पता चलेगा कि डीलरशिप पॉइंट में आपको कौन नई गाड़ी उठा रहा है, कौन नई गाड़ी ले रहा है, तो डीलरशिप पॉइंट वाला आपको दे देगा। फिर उससे आपको मिलना है, उससे मिलकर अपने लोन के बारे में बताना है कि सर हम इतना लोन आपको फाइनेंस कर सकते हैं, इतना डॉक्यूमेंट हमारे को लगता है, हम इतना पैसा आपको फाइनेंस कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस होता है 80% फाइनेंस होता है, 20% कस्टमर को खुद देना पड़ता है। गाड़ी 1 लाख की है तो 80 हज़ार कंपनी देगी, 20 हज़ार आपको लगेगा। उसके बाद फाइल लेके जाना पड़ता है, आप कस्टमर अगर रेडी है जाकर उससे फाइल साइन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड उसका चेक लेना पड़ता है, बैंक आईडी लेना पड़ता है, जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। आईटी अगर मांगती है कंपनी तो आईटी रिटर्न मांग मांगती है तो वो भी देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप मांगती है तो वो देना पड़ेगा, जितने भी फोटो लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको लाके ऑफिस में लिखना पड़ता है, उसके बाद कस्टमर फाइल साइन हो गया। उसके बाद कस्टमर फाइल साइन करने के बाद उस जो फाइल रहता है उसमें लिखना पड़ता है कि कितने का लोन ले रहा है, क्या करता है आदमी, कितने दिन में लोन पटाएगा, कितना सा किस्त बन रहा है, ये सब करके कंप्लीट करके आपको फोटो कॉपी के साथ अटैच करके आरटीओ और इंश्योरेंस करके इंश्योरेंस में भी साइन करा लेना। हर हर मालिक का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ताकि अगर गाड़ी मालिक मर गया, गाड़ी कुछ हो गया तो पैसा कंपनी रिकवर कर ले, ठीक है। उसके बाद आप फाइल बैक ऑफिस में सबमिट कर देंगे, बैक ऑफिस वाला उसको अप्रूवल लाके डालेगा। अप्रूवल रहता है 80 हज़ार का अप्रूवल रहेगा, अगर 85 हज़ार 90 हज़ार रुपये आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अप्रूवल 80 हज़ार तक रेडी रहता है, आपका अप्रूवल 2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद गाड़ी मालिक को आप ओटी दे देंगे और आप इसके बाद आप कस्टमर को ऑर्डर दे देंगे, आप लोग ओडी बोलते हैं उसको, ऑर्डर ड्यू बोलते हैं, जो आपको दे देंगे कस्टमर को, तो जिससे वो जाके वो पेपर दिखा के वो कस्टमर वो गाड़ी ले सकता है, सो कंपनी गाड़ी दे देगी, दो लाख 2.5 लाख जो पेमेंट है उसका वो कर देगी, और बाकी जो रहेगा वो कंपनी 2-3 दिन में पेमेंट करती है, वो कंपनी या गाड़ी एजेंसी के बीच में तय रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप उसको ऑर्डर स्लिप दे देंगे तो वो क्या बोलते हैं अपने कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देगा, तो आपका ये केस एक फाइनेंस केस पूरा हो गया। हर ऐसी हर का फाइनेंस के केस में करना पड़ता है। रिकवरी में आपको जॉब दिया है तो रिकवरी में जाके आपको सेगमेंट दिया जाएगा, आपको लिस्ट दिया जाएगा, उसमें रिकवरी में आपको जाके हर कस्टमर से मिलना पड़ेगा, जो कस्टमर किस्त दे देते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कस्टमर किस्त दे रहा है नहीं दे रहा है। हफ्ता हफ्ता आप निकाल सकते हैं स्लिप, उसके बाद जो नहीं दे रहा है उसके घर विजिट करना पड़ेगा और ऑर्डर लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप काम डेली करेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे मैक्सिमम छुट्टी रहता है, लेकिन काम ज्यादा रहता है तो आपको काम करना पड़ेगा। इस महीने आप साल भर में काम कर लिए तो आप पूरा समझ जाएंगे, आप उसके बाद आपको कैसे से कमी नहीं रहेगी और एक आप अच्छे फाइनेंसर बन के निकलेंगे अगर मेरी बात पे चलते हैं। साथ साथ आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, महीने के मैं बोलता हूँ अगर 1 साल काम कर लिए तो 30-35 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, और मेहनत किए तो 50 हज़ार भी कमा सकते हैं। मैं महीने के 50-60 हज़ार कमाता था, मैं गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी में डील करता था, मैं इंश्योरेंस भी बेचता था, मैं बहुत तरीके से कमाता था पैसे। तो मैं मेरा कमाई जो है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसमें अभी तो मेरे थोड़ी खांसी आ रही है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप इंटरव्यू से लेके आपके जॉइनिंग तक यही प्रोसेस रहता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि पूरा प्रोसेस बताइए सर कि कैसा होता है, सभी कंपनी का एक प्रोसेस एक ही होता है, तो इस प्रकार आप काम करेंगे आपको आइडिया रहेगा। इंटरव्यू में शायद पूछा जाता जा सकता कि आप काम के बारे में क्या जानते हैं, तो जो मैंने आपको बताया वो यही काम के बारे में है, आपको शायद आपको बहुत काम आएगा आपके भविष्य में, आपको फाइनेंस लाइन की ओर आगे बढ़ाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा बोल के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।